কোভিড এর সময় সবাই অ্যাকচুয়ালি বাইরে বেরোনো প্রায় বন্ধই, তো আমি ভাবলাম যে যদি এই ক্লাউড কিচেন করি তাহলে কমসে কম আমি ডেলিভারি করতে পারবো, কাস্টমারকে বেরোতে হবে না। ক্লাউড কিচেন, হাল ফিলহাল মে ইয়ে ওয়ার্ড কাফি ট্রেন্ডিং হো রাহা হ্যায়, ছোটে ইনভেস্টমেন্ট মে ভি লোগ ইস পে লাখো রুপে ইনকম কর রহে হ্যায়। তো ক্যা হ্যায় ইয়ে ক্লাউড কিচেন, আইয়ে সমঝতে হ্যায় ক্লাউড কিচেন কে বারে মে এক ছোটে সে এক্সাম্পল সে। मान लीजिए आपको एक अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आपको 20 से लेकर 50 लोगों का बैठने की जगह चाहिए होगी, एक वॉशिंग के लिए और एक किचन के लिए अलग ही स्पेस चाहिए होगा, सर्विस के लिए और एडिशनल वर्क के लिए आपको बहुत सारे स्टाफ चाहिए होगा। तो एक नॉर्मल साइज़ का रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए आपको 750 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट तक का जगह मिनिमम चाहिए होगा। आज की प्रॉपर्टी मार्केट रेट के हिसाब से आपको ये स्पेस मिनिमम 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक मंथली रेंट में मिल जाएगा। और ये रेस्टोरेंट आपको एक प्राइम लोकेशन पे स्टार्ट करना पड़ेगा कि लोगों को ये बहुत आसानी से मिल जाए, और एडवांस और सलामी के लिए आपको और भी लाखों रुपए लग सकता है। जैसे कि हम सबको पता है एक रेस्टोरेंट का बिजनेस सेट होने के लिए 6 से लेकर 12 महीना तक का टाइम लग ही जाता है, तो इसका मतलब आपका बिजनेस अच्छे तरीके से सेट होने से पहले ही आपको लाखों का खर्चा उठाना पड़ेगा जो कि थोड़ा रिस्की भी होगा। अब समझते हैं ये क्लाउड किचन क्या है। क्लाउड किचन में आपको सिर्फ एक किचन स्पेस चाहिए होगी जो आप 200 से लेकर 500 स्क्वायर फीट तक का भी ले सकते हैं। इस बिजनेस में आपको कस्टमर को सीटिंग एरिया या डाइनिंग ऑप्शन नहीं देना पड़ेगा, आप सिर्फ और सिर्फ कुकिंग पे ही फोकस कर सकते हैं। ये बिजनेस आप एक नॉन प्राइम एरिया में भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे आपका रेंट का काफ़ी सारा बचत हो जाएगा। इस बिजनेस में आपको क्लीनिंग और सर्विंग के लिए भी बहुत कम लोग चाहिए होंगे। आप जहां ये किचन स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं वहां अगर जोमैटो स्विगी पहले से है तो आप उनसे भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड किचन में टेक अवे या होम डिलीवरी का ऑप्शन होता है। तो फूड पैकिंग इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैकिंग अच्छे तरीके से करने के लिए आपको कप सीलर, फॉयल सीलर, ट्रे सीलर, ये सारे मशीनरी लग सकता है, जो कि आपको टूल्स भी वेबसाइट में मिल जाएगा, और इस सारा मशीन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लाउड किचन एक बहुत ही सेफ बिजनेस है क्योंकि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रहता है, और अगर ये बिजनेस आपका सेट नहीं भी हुआ तो आपको लॉसेस ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा। क्लाउड किचन में कुछ खास इक्विपमेंट्स आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है और आपकी खाने की क्वालिटी को एकदम KFC या पिज़्ज़ा हट जैसा बना सकती है, जैसे कि डीप फायर, इलेक्ट्रिक ग्रिल, गैस तंदूर एक्सेट्रा। अगर आप खाना बार बार गर्म करना नहीं चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक पैन बेन मरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब मशीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर के रहने वाले मिस्टर पार्थ प्रतिम जी से, उन्होंने कैसे इस क्लाउड किचन को सेटअप किया एंड सक्सेसफुली रन भी कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। थ्री स्टार होटेले जॉब करतम, ওইখানে জব ছাড়ার পরেই এটা চিন্তা করে এটা করলাম আর কি। না, লাইফে অ্যাকচুয়ালি এটা মাথায় ছিল যে কিছু নিজেকে করতে হবে, তো ওই জন্যই জব ছাড়া আর এই বিজনেস করা। ক্লাউড কিচেন স্টার্ট করার কথা ভাবলাম এই জন্য, কারণ অ্যাকচুয়ালি কোভিড এর সময় সবাই অ্যাকচুয়ালি বাইরে বেরোনো প্রায় বন্ধই, তো আমি ভাবলাম যে যদি এই ক্লাউড কিচেন করি তাহলে কমসে কম আমি ডেলিভারি করতে পারবো, কাস্টমারকে বেরোতে হবে না, তাহলে ওই জন্যই মেনলি ওই কারণেই আমরা এই ডিসিশনটা নিলাম। ক্লাউড কিচেন স্টার্ট করতে আপনার কি কি লাইসেন্স লেগেছে? এটা স্টার্ট করতে আমাকে মেন তো এখানের ফসাই লাইসেন্স, যেটা ওই ফসাই লাইসেন্স লেগেছে, আর আমাদের এই দোকানের নামে আমরা প্যান কার্ড বানিয়েছি একটা, দুটোই আপাতত আমি করেছি এখনো পর্যন্ত। ক্লাউড কিচেনে যেরকম ডেলিভারির অপশন থাকে, টেক অ্যাওয়ের অপশন থাকে, এখানে ডাইনিং অপশন তো থাকে না কোনো, তো আপনারা কি শুরু থেকে সুইগি জোম্যাটোর সাথে টাই আপ ছিল নাকি? না, প্রথমে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমি নিজেও এর পিছনে টাইম দিয়েছি, আমি নিজেও প্রথমে ডেলিভারি করতাম, প্লাস আমার আরও যারা স্টাফ আছে, আমার ভাই আছে, তো আমরা সবাই একসঙ্গেই ডেলিভারি করতাম, অর্ডার আসলে কখনো ও কখনো আমি
কখনো যে বানাতো সেও যেত ডেলিভারি করতে। তো এইভাবেই আমরা ছোট থেকে স্টার্ট করেছি অ্যাকচুয়ালি। তো আপনারা এখন জোম্যাটো সুইগির সাথে টাই আপ করেছেন? হ্যাঁ, এখন আমাদের টাই আপ আছে জোম্যাটো সুইগির সাথে। ডিফারেন্স কি করেছেন নিজেরা ডেলিভারি করে জোম্যাটো সাথে টাই আপ করে? আমরা ডিফারেন্স বলতে অবশ্যই অর্ডার অনেক বেশি বেড়েছে। আমরা এই দু তিনজন মিলে যেটা পারছিলাম না, সম্ভবই নয় কখনো এতটা বড় জায়গা কভার করা। তো সুইগি জোম্যাটোর মাধ্যমে এটা অনেক বেশি আর কি হেল্প হয়েছে ওদের জন্য। কারণ এটা ধরুন একটা নাচন রোডের উপরে একটা ক্লাউড লোকেশন, এটা একটা তো এইখানে আমরা করেছি বলে দোকানটা অনেক লোক অনেক বেশি তাড়াতাড়ি জানতে পারবে দোকানটা, ওই জন্য আমরা একটু ক্লাউড এরিয়াতেই করেছি দোকানটা। তারপরে আমরা সম্ভবত 6-7 মাসের মধ্যে আমি নেক্সট আউটলেটের কথা ভাবছি করছি। জায়গার উপরে ভালো জায়গা অবশ্যই ফার্স্ট চুজ করতে হবে, করে আরামসে স্টার্ট করা যায়। কারণ এখন মানুষের মধ্যে এটা মেন্টালিটি চলেই এসছে বাইরে কম বেরোবো, তো আমরা ক্লাউড কিচেন চালু করলে এটাই সুবিধা যে আমরা ডেলিভারি করতে পারবো। প্রথমে নিজেরাই তারা অল্প অল্প করে ডেলিভারি করে ছোট করে স্টার্ট করুক, তারপরে জোম্যাটো সুইগি তো আছেই আমাদের বিজনেসকে আরো বাড়ানোর জন্য। আপনার ক্লাউড কিচেন সেটআপ করতে কত টাকা খরচ হয়? মোটামুটি 1.5-2 লাখ টাকার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেছে। দোস্ত ইসপে তোরা ধ্যান দিজিয়েগা, ক্লাউড কিচেন স্টার্ট করনে সে পহলে আপকো কুছ লাইসেন্স চাহিয়ে হোগা, জেসে কি ফসাই লাইসেন্স, GST রেজিস্ট্রেশনস, হেলথ এন্ড ট্রেড লাইসেন্স, फायर एंड सेफ्टी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप Zomato या Swiggy के साथ टाई अप करना चाहते हैं तो आप अपना किचन की मेनू, GST सर्टिफिकेट, फसाई सर्टिफिकेट, पैन नंबर, अकाउंट डिटेल्स, कैंसिल चेक, ID एंड एड्रेस प्रूफ शेयर करनी पड़ती है। तो दोस्तों, क्लाउड किचन का मार्केट इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में इसका मार्केट साइज था 400 मिलियन, यानी कि 3000 करोड़, और ये अनुमान किया जा रहा है 2024 तक इसका मार्केट साइज $3 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो आप अगर क्लाउड किचन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बेझिझक कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जाके ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, हम एक ऐसा कंपनी का एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं जिसका नाम है रेवल फूड्स। रेवल फूड्स किचन दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड किचन है, जो 350 क्लाउड किचन ऑपरेट करती है, और जिसका 2021 में मार्केट वैल्यूएशन था 1.4 बिलियन, यानी कि 10,500 करोड़। तो अगर आप सोच रहे हैं क्लाउड किचन में इन्वेस्ट करना या फिर स्टार्ट करना, आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं, और ऐसे ही बिजनेस आइडिया रिलेटेड वीडियो मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।